हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर बात करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी शानदार तरीके से जंप दिखाया है। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 500 के निचले स्तर पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोगों को वीडियो बनाकर हमने डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका जो प्राइस है फिलहाल हमें 1400 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से भी काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ CDSL लिमिटेड की रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 8.5% से एवब का काफ़ी शानदार तरीके से जंप दिखाया है। दोस्तों अगर बात करें इंटायर सेक्टर का तो आज के दिन BSE सेंसर निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छा खासा हमें उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने भी 8.5% का जंप दिखाया है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम बात करेंगे पिछले 1 मंथ के इसका प्राइस ग्राफ का, तो पिछले 1 मंथ में ओनली हमें 2 से 3% का गिरावट देखने को मिल रहा है जो कि कोई खास है नहीं। लेकिन दोस्तों पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 7.5% से एबव का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 151% से एबव का काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों जब स्टॉक में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा था उस समय आप लोगों को वीडियो बना के हमेशा हमने डिस्कस किया कि दोस्तों इस स्टॉक में अगर गिरावट हो रहा है तो हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने रैली शो किया दोस्तों, फ्यूचर में इसका प्राइस 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने 466% से एबव का मुनाफा दिया है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे अधिक दिनों का ग्राफ भी हमें यहीं देखने को मिल रहा है, स्टॉक 2017 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है। वहाँ से अगर बात करें तो अभी तक इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों इसका प्राइस का जो ग्राफ है जैकपॉट है और स्टॉक जैकपॉट ही है, अगले 2 से 3 साल में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाती हुई हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अभी तक इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है, फ्यूचर में इसमें और भी ज़्यादा हमें रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें खरीदारी होते हुए देखने को मिला है, तो दोस्तों यहाँ पे 30% के आसपास का डिलीवरी का पोजीशन है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 565 के आसपास में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, जो कि अगर बात करें इसका हाई का यहाँ पर 1730 रुपये प्लस का हाई हमें देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 800 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी शो किया है, हालांकि यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर के नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत हम यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पर 20% के आसपास का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमें 20% के आसपास का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में ये भी हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, हालांकि बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस की रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हमें रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पिछले साल के अकॉर्डिंग तो इस साल जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि एवरी ईयर काफ़ी इंक्रीमेंट के साथ में इस स्टॉक ने रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर भी शो किया है। दोस्तों हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे बिल्कुल 0 फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल 0 फिगर देखने को मिल रहा है। 100% कंपनी डेट फ्री भी है। दोस्तों स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे फिक्स एसेट की रिगार्डिंग, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसका प्राइस फ्यूचर में काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के
रख सकते हो। जिस तरीके से अभी तक इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिला है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, दोस्तों यहाँ पे हमें 15,000 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे सेक्टर के पी रेशियो का, तो दोस्तों यहाँ पे 64.67 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो हमें निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसका प्राइस है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। वही हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है और इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे सेल्स का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है और एवरी क्वार्टर में जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे सेल्स का फिगर भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डीए की होल्डिंग है, उससे पहले बात करें यहाँ पे प्रमोटर का, तो 20% के आसपास का होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे एफआई की होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे डीए की होल्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और फ्यूचर में भी इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 1280 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।